जैसे कि देखिए आज हम धनबाद डिस्ट्रिक्ट निरसा क्षेत्र अवस्थित कालूबथन थाना ये जो है यहाँ पे अभी रात के यानी 9 बज रहे हैं और बारिश भी हो रही है और यहाँ पे कुछ जैसे कि सांप घुसा हुआ है यहाँ पर देखा गया है और हमें जैसे फोन के माध्यम से बुलाया गया तो इसमें जैसे सबसे अच्छी भूमिका जो निभाने वाले हैं जो हमारे वीर मोहम्मद जी है इस निरसा क्षेत्र के जो है जीप सदस्य, ये एक ऐसे ही व्यक्ति है जो कि ग्रामवासियों को नहीं क्योंकि ये पर्यावरण को भी देखते हैं। ये जो हम रेस्क्यू कर रहे हैं, ये जो सांपों को रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, ये एक पर्यावरण का हिस्सा है और इसको बचे रहना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो पे बने रहें क्योंकि सांप यहाँ पर घुसा हुआ है, देखते हैं कौन सा स्नेक्स है, अभी इसको हम निकालेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो इस तरह सचकी तो कैसे घुस गया, जितना स्पीड है ना, देखिए लकड़ी के लिए रखिएगा उधर उधर ना है, इधर बीच में रखिए लकड़ी को। हाँ है, इधर बीच में रख देंगे लकड़ी। मशीन मशीन का है पकड़ना, लेडीज पकड़ता है। इस तरह इमोशन में हो सकता है गया। हेलो, हे प्रतीक जी, तुझे बैठ के रहना, इधर आ जाने दे। हां हम बाजार से आ रहे हैं। ये भी खोलवा है ना वहां पर, है तुम पीछे जा रहे हो, ये खोलवा है, खोलवा है, लेकिन इस्लाम है क्या, भी बैठा लिया घर आ गया लगता है क्या। सांप तो नजर आ गया, सांप देख लिए हैं, यहाँ पे सांप घुसा हुआ है। जैसे कि ये बरसात का मौसम है और ये जो स्नेक्स आप देख रहे हैं ये वाटर स्नेक है, इसको वाटर स्नेक के नाम से जानते हैं। और ये जो बरसात के मौसम इसलिए आ गया है, जो छोटा छोटा मेढक खाते हैं ये ज्यादातर बरसात के मौसम में निकलते हैं। ये नॉन वेनिमस है, नहीं नहीं ये नॉन वेनिमस है, मगर जो है काटता बहुत जोर से है ना, जिसको हम अभी रेस्क्यू करते हैं। पकड़ लिया, पकड़ लिया।
आज हम देख लिए कि कैसे सांप पकड़ते हैं आप लोग। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो नॉन वेनेनस है। अगर कोबरा रहता तो देखने का लायक रहता। इसको कौन सांप बोलते हैं? ये वाटर स्नेक, इसे वाटर स्नेक के नाम से जानते हैं। और हर एक जगह में, हाँ, पानी वाला सांप है। हर एक जगह में इसका अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोई ढोलिया भी बोलता है, ढोल भी बोलता है। मगर इसका एक नेचर है, इसका नेचर ही है काटना। जो सांप है सब सांप से ज्यादा काटने का नेचर इसी का है। सबसे काटते हैं और उस जगह काटने से थोड़ा घाव हो जाता है, बहुत ज्यादा दांत बढ़ता है। तो जैसे कि देख रहे हैं, या हम आए हुए यहाँ पे सांपों को रेस्क्यू करने, सांप को रेस्क्यू कर ही लिए, मगर करने का मतलब यही है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ जो है पुलिस जो है, अभी जैसे कि रात हो चुका है और इस रात में सारा रात जाके ये लोग ड्यूटी करते हैं और हम लोग सोते हैं। सारा रात ड्यूटी करते हैं और हम लोग सोते हैं। तो इसमें जैसे कि स्नेक्स रेस्क्यू करना ये तो कोई आम बात है, मगर ये जो ड्यूटी है ये ऐसा एक ड्यूटी है कि पूरा रात जाके पूरा देशवासी सोते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सर जी कि हम आए हैं, और हमारे जो जीव सदस्य जो है इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि सांपों को जैसे भी और भी सांप रेस्क्यू करने का इन्होंने हमको मौका दिया है, सांप को रेस्क्यू किए हैं। सांप को मारना भी नहीं चाहिए क्योंकि सांप हमारे पर्यावरण मित्र है, सांप मारने से पर्यावरण जो है खत्म हो जाएगा। तो इन्हीं के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।